आज हम पढ़ेंगे निखिलम आधार और उपाधार विधि से गुणा दो संख्याओं के लिए। आधार उपाधार और विचलन के बारे में, जब संख्याएं 10, 100 या 1000 के पास हो तो हम आधार विधि का उपयोग करेंगे, और यदि संख्याएं इनके बीच की हो, जैसे 20 से 80 के बीच या 110 से लेकर 990 तक के बीच, तो हम उपाधार सूत्र का या उपाधार विधि का प्रयोग करेंगे। विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए सूत्र है, जो भी संख्या हमारे पास है या हमें दी गई है उसमें से आधार को घटाया जाए तो विचलन प्राप्त होता है। उल्टा नहीं करें, ध्यान रखना, आधार में से संख्या नहीं घटानी है, संख्या में से आधार घटाना है। ये तो थी आधार उपाधार और विचलन की बात। अब बात करते हैं इस विधि के लिए कि इस विधि से हल कैसे करें। उसके लिए तो एक रूपरेखा, जब फॉर्मूला आता है उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्याएं हमारे पास या हमें सॉल्व करने के लिए दी हैं उन्हें लिखें। पहली संख्या, ये 1 और 2 का मतलब है पहली संख्या, और दूसरी संख्या लिखें, उनके सामने उनके विचलन लिखें। पहला विचलन और दूसरा विचलन, ये निखिलम विधि का प्रारूप है। उसके बाद पहली संख्या में दूसरा विचलन जोड़ें या घटाएं। या का मतलब है यदि विचलन माइनस में है तो यहां घट जाएगा, और यदि विचलन प्लस में है तो यहां संख्या में जुड़ जाएगा। स्लैश करें तिरछी लाइन, और उसके बाद में दोनों विचलनों को आपस में गुणा कर दें। पहला विचलन इंटू दूसरा विचलन। आधार में जितने जीरो होते हैं उसके हिसाब से अंक लिखे जाते हैं, वो उसका उत्तर होता है। तो ये था आधार उपाधार विचलन किसे कहते हैं, आधार विधि का प्रारूप यानी कि सूत्र फॉर्मूला। अब है उदाहरण से समझें, इन्हें नोट करें। उदाहरण है, (98 × 97) तो सबसे पहले हमें हल करने से पहले देखना है कि ये आधार के पास है या उपाधार के पास है। देखें 98 और 97 100 के पास वाली संख्याएं हैं, 90 से बड़ी हैं, इसलिए ये आधार के पास आएंगी, और आधार है इनका 100। देखो कॉमन सी बात है, 10 के पास नहीं है, 1000 के पास नहीं है, 100 के पास है, तो 100 इनका आधार हो जाएगा। अब है विचलन, और विचलन ज्ञात करने के लिए सूत्र भी आपने लिखा था, यदि याद हो तो ध्यान रखें, बोलें संख्या माइनस आधार, ठीक है। अब सूत्र के अनुसार करें, देखें सबसे पहले क्या लिखना था हमें, संख्या पहली संख्या आपकी 98, दूसरी संख्या है 97, फिर उसके सामने लिखना है हमें विचलन। पहला विचलन निकालें, 98 संख्या माइनस आधार 100 जो हमने माना है, तो विचलन कितना हो जाएगा, -2। इसी तरह दूसरी संख्या के लिए यानी जो 97 है उसके लिए जो विचलन है वो हो जाएगा आपका -3। उसके बाद में संख्या लिख ली, विचलन लिख लिया, उसके बाद में संख्या पहली यानी 98 प्लस या माइनस, तो देखें यहां माइनस है, विचलन दूसरा यानी इसके ठीक सामने वाला, स्लैश यानी तिरछी लाइन, पहला विचलन इंटू दूसरा विचलन, पहला विचलन -2 इंटू दूसरा विचलन -3।
91 में से 3 घटाएं तो 95, माइनस 2 को माइनस 3 से गुणा किया तो प्लस के 6। अब संख्याएं लिखें कैसे उसके बारे में मैंने पहले कहा था, आधार में जितने जीरो होते हैं उतने अंक लिखते हैं इकाई से। देखिए आधार में दो जीरो है इसका मतलब दो अंक लिखे जाएंगे, तो यहाँ एक ही अंक है उसके लिए दो अंक बनाने का मतलब है पहले जीरो लगा दें, तो ये दो अंक हो गया, ये भी छह हो, ये भी छह, इसमें कोई फर्क नहीं, और लास्ट वाला ये स्लैश से चिल्लाई निकाल दें तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। तो ये है दो संख्याओं के लिए आधार विधि से निकलम द्वारा गुणा हल करना। करें अब है उपाधार विधि से गुणा हल करें, सूत्र वही है सेम है, देखें सिर्फ उपाधार अंक जो होगा उसे गुणा करना है। ठीक वैसे ही पहली संख्या पहला विचलन सामने लिखें, दूसरी संख्या के सामने दूसरा विचलन लिखें, पहली संख्या में दूसरा विचलन जोड़ें घटाएं, आगे वाले कॉलम में या आगे वाले खंड में पहले विचलन को दूसरे विचलन से गुणा करें और उपाधार अंक से गुणा करें, ये है उपाधार विधि। चलिए उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले हम दो संख्याएं लें, दो संख्याएं हैं इस पर 24 × 27, तो सबसे पहले इनका आधार तो ये है 10 के पास, यानी 10 के आधार वाली संख्याएं दाई अंक है, इसलिए 10 के पास यदि 3 अंक होते इकाई तरह से तो 100 हो जाता आधार। ठीक है, उपाधार के बारे में बात करें तो उपाधार है इनका दूसरा दाई अंक है यानी कि 2, यदि संख्याएं होती मान लीजिए 57 तो उसका उपाधार अंक हो जाता 5, यदि संख्याएं होती मान लीजिए 78 तो उसका उपाधार अंक हो जाता 7। तो इसी तरह दाई अंक जो है उसको उपाधार अंक माने। विधि के अनुसार हल करें, देखें 24 पहली संख्या लिखें उसके सामने उसका पहला विचलन लिखें, विचलन के लिए पहले सूत्र बताया था वो था संख्या माइनस आधार, और इस बार जो संख्या है वो है हमारे पास 24, और आधार उपाधार ये दोनों इनटू है यानी कि 20 के पास वाली संख्या है, तो 24 में से 20 घटाने पर बचेंगे 4 और दूसरी संख्या 27 का विचलन हो जाएगा 7। उसके बाद उपाधार अंक है आपका 2, पहली संख्या 24 प्लस दूसरा विचलन यानी कि 7, दूसरे खंड में दोनों विचलनों को आपस में गुणा, पहले ब्रैकेट हल करें 24 और 7 31, 4 को 7 से इंटू करें 28, 31 को 2 से इंटू करें तो 62। अब ये दोनों खंडों की जो संख्याएं उतारते हैं वो ध्यान देखें, पहले भी जैसे बताया था आधार में जितने जीरो हैं उतने ही अंक उतारने हैं, जैसे आधार में एक जीरो है इसका मतलब एक अंक ही यहां उतरेगा यानी कि 8, और ये जो 2 हैं वो आगे वाले में जुड़ जाएंगे यानी दूसरे खंड में जुड़ जाते हैं, तो 62 तो है पहले से और ये 2 और जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 64। तो ये था निकलम विधि से उपाधार सूत्र द्वारा गुणा हल करना। ठीक इसी तरह अन्य संख्याओं के भी आप गुणा हल कर सकते हैं। चलिए देखें एक और उदाहरण के साथ, पहले से नोट करें। उदाहरण है 72 × 68, आधार दाई अंक है इसलिए 10, उपाधार कितना हो जाएगा 70 के पास की संख्या है इसलिए 7। हल पहली संख्या लिखें 72, उसके सामने पहला विचलन 70 घटाएं तो प्लस का 2, दूसरा है दूसरी संख्या 68 और विचलन इस बार 70 घटाएं तो माइनस 2। ये एक प्लस और एक माइनस की संख्या इसीलिए ली है ताकि माइनस में दिया है तो कैसे हल करना है वो बता सकूं। उपाधार अंक लिखें यानी कि 7, पहली संख्या माइनस दूसरी विचलन 72 माइनस दो स्लैश पहला विचलन इंटू दूसरा विचलन 2 × −2, 72 में से 2 है पहले ब्रैकेट हल करें तो घटाने पर बचे 70, इनको करना है हमें 7 से उपाधार अंक से गुणा,
वहां विचल को विचल से गुणा किया तो माइनस के चार, 70 को 7 से गुणा किया तो 7490 माइनस चार माइनस ओ, तो यहां से यानी पहले वाले कॉलम से हासिल लेते हैं घटाने के लिए, ये सीधा ही नहीं उतरेगा, उसे प्लस में बनाया तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां से एक हासिल लें तो 490 की जगह एक हासिल करने पर यहां रह जाएंगे 489, इस साइड हासिल चली गई यानी कि 10, उसमें से 4 घटाएं तो बच गए 6, क्योंकि आधार में एक जीरो इसलिए एक अंक वैसा का वैसा और वापस वैसे के वैसे, ये 6 और ये स्लेस हटाकर तिरछी लाइन हटाकर बाकी जो बचे हुए अंक हैं वो लिखें। तो ये था निकलम उपाधार आधार दोनों विधियों से गुणा दो संख्याओं के लिए। अब है होमवर्क ऑफ द डे, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको खुद को आधार या उपाधार में से खुद को ढूंढकर हल करना है, रिप्लाई जरूर करें। ये 4 सवाल हैं जो आपको हल करने हैं आधार उपाधार विधि द्वारा, अपने आप खुद सोचकर देखकर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, नहीं आए कुछ समस्या हो, शिकायत हो, कुछ भी या कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें या कमेंट करें या रिप्लाई करें। गुड लक।